तो मेरा 7 days 7 recipes, तो आज मेरा है day 2। तो आज बनाते हैं हम सूजी के अप्पे। इसे बनाना बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी है। तो चलो इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले चॉपर की मदद से शिमला मिर्च को छोटा छोटा कर लेंगे। ये चॉपर मैंने अमेजोन से लिया था, आप भी चाहें तो ले और सकते इसे एक हैं। कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला है शिमला मिर्च, गाजर, गाजर को भी छोटा छोटा कर लिया। इसके बाद हम इसे भी एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके बाद हम प्याज को काट के उसे भी इसी तरह से छोटा छोटा कर लेंगे। आप भी मेरे साथ साथ सूजी के अप्पे बना सकते हैं, तो आप भी जल्दी से अपनी किचन में सारा सामान ये रेडी कर लीजिए और बस मेरे साथ अप्पे बनाइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये सब हो गया है, अब हम बनाएंगे बैटर। उसके लिए लेंगे हम 150 to 200 grams सूजी, 4 चम्मच दही, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे अपना कटा हुआ प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और नमक और लाल मिर्च डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस बैटर को मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए, और सूजी हमारा थोड़ा फूलता भी है तो उसके लिए हम पानी और डाल के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हमारे बैटर को 10 से 15 मिनट हो गए हैं रखे हुए, अब इसे हम हटाते हैं। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है अप्पे के लिए। इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, और हम अलग से 1 चम्मच तेल लेंगे। उसमें सरसों या फिर राई के दाने डाल के उन्हें भून के इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये तड़का अवॉइड भी कर सकते हैं। और अप्पे मेकर ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अपने बैटर को एक एक करके सभी में डाल देंगे। और हाँ, गैस को हम इसमें लो रखेंगे क्योंकि ये मोस्टली स्टीम में पकते हैं। इसे डालने के बाद हम ढक के लो फ्लेम पे रख देंगे और ये धीरे धीरे पक जाएगा। 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये हमारा पक गया। अब इसे हम पलट लेंगे, दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पका लेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो रेसिपी शेयर करूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स हर घर में बहुत इजीली अवेलेबल हों। मे बी अब अप्पे मेकर ना हो किसी के यहाँ, आप चाहें तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से इजीली मंगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली नॉन स्टिक पर एक चीले की तरह भी इसे इस बैटर को यूज़ कर सकते हैं की चटनी के साथ। और अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप लेटेस्ट शॉर्ट्स मेरे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।